अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप दोस्त? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? खुशबाश हैं? जा रहे हैं जी आज घोस्ट लॉकडाउन हॉरर हॉन्टेड व्लॉग की शूटिंग के लिए। एक बहुत ही ज़्यादा हॉन्टेड लोकेशन का इंतखाब किया है आज, और जिस किस्म की कहानी सुनने को आई है, जिस किस्म की कहानी सुनने को मिली है, बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। और एक अजीब सी वाइब्स आ रही हैं, एक अजीब सी कैफियत हो रही है। अभी उस लोकेशन पर गए नहीं हैं, गया नहीं हूँ मैं, लेकिन जिस किस्म की बातें मैंने सुन ली हैं उस लोकेशन से रिलेटेड, तो बहुत ही ज़्यादा जो है जी वो अजीब सी कैफियत हो रही है। तो अभी चांद भाई का इंतज़ार है, तो जैसे ही आते हैं फिर चलते हैं। चिट्टे दिन पनीर भाई जी, पेट्रोल टाइम फुल कर रहा है। लोकेशन की जानिब गामजन, अभी थोड़ा ना इनको, हाँ जी, सुकून आ गया जैसे पढ़ाई की है और हिसार बांधा इन पे, वरना ये और वो जो उधर वाले थे उनको भी हिसार से पहले वो बिल्कुल ही ना, बिल्कुल वो एक बेचैनी सी जो है ना जी वो नज़र आ रही थी। दोस्तों को बता दें जी कि हम पहले स्टार्ट कर लें जी, फिर उसके बाद फिर डिटेल बता देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद है कि आप दोस्त सब खैरियत से होंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह आप दोस्तों की दुआओं से हम भी खैरियत से हैं। मेरा नाम शेरी खान है जी, मेरे साथ चांद भाई। लोकेशन की डिटेल बताने से पहले आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करते हैं जो दोस्त अहबाब हमारी घोस्ट लॉकडाउन हॉरर हॉन्टेड विला को कि वीडियोज़ को पसंद करते हैं जी, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, और अपना प्यार भरा जो फीडबैक होता है जी वो कमेंट्स की सूरत में देते हैं। सो थैंक यू सो मच जी। इसी तरह वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें और शेयर करना ना भूला करें, फेसबुक पेजेस हों या व्हाट्सएप ग्रुप्स हों तो शेयर ज़रूर कर दिया करें जी वीडियोज़ को। तो बस इतनी सी मोहब्बत जो है वो आप दोस्तों की चाहिए हमें। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले शहरी भाई, वीडियो स्टार्ट चांद भी हो चुकी है, मैं यानी कि इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने से पहले मैं शहरी भाई आपसे माजरा चाहता हूँ। वो इसलिए कि जो लास्ट लोकेशन थी घोस्ट लॉकडाउन की, वहाँ पर जो मामलात मेरे साथ हुए हैं, और वहाँ पर मैंने जब कैमरा प्लेस किया है और वहाँ पर मैं टाइम स्पेंड कर रहा था, तो मुझे बस इतना याद है कि उस दौरान कोई चीज़ मेरी तरफ आई है और मेरे अंदर जैसे कुछ चीज़ समा जाती है और मुझ पर उसने यानी कि हावी हो गई, मुझ पर काबू कर लिया उसने, रिकॉर्ड भी हुई है उसके बाद मुझे का जो शेडो था, हाँ वो एडिट में शहरी भाई ने देखा है कि वो रिकॉर्ड हुई है वो चीज़, और मुझे उस दौरान उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं कि मैंने क्या किया क्या नहीं, मैंने सिर्फ वीडियो में ही देखा कि मैंने क्या किया। और उस टाइम मैं सच्ची बात कर रहा हूँ कि जब मैं देखी है वो वीडियो, तो मैंने जब देखा कि मैंने शहरी भाई को उठा के फेंका या जिस तरह से मैं इनके साथ बिहेव कर रहा था, तो भाई मेरी आंखों में उस टाइम आंसू आए थे। और शहरी भाई मैं आपसे माजरा चाहता हूँ, सॉरी करता हूँ भाई आपसे। और उस दौरान ये भी था कि मुझे नहीं पता था मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन एक चीज़ में आपका मैं शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि उस टाइम पे शहरी भाई मौजूद थे और जिस तरह से इन्होंने मुझे हैंडल किया या इन्होंने अल्लाह पाक की पाक कलाम पढ़ी और मुझे जो है इन्होंने कंट्रोल किया। तो हम आप दोस्तों को यही हमेशा मैसेज देते हैं कि जो अल्लाह पाक का पाक कलाम है उसका आप जितना विर्द करें वो काम है, तो उस मुश्किल घड़ी में अगर वो चीज़ काम आई है तो वो हमें अल्लाह पाक का पाक कलाम ही जो है वो काम आया है। तो शहरी भाई ने मुझ पर पढ़ाई की और बड़ी मुश्किल से यानी कि वहाँ पे कंट्रोल किया। तो दूसरा, एक बार मैं आपसे पहले भी इस चीज़ की माजरत कर चुका हूँ और दोस्तों के सामने भी मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। कोई ऐसी बात नहीं है जी, आप तो मुझे उस टाइम सच में नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ और मैं
जो भी मैंने मैं किया जान है भी वहाँ पर। आपकी आपने जो ये बात की है ना, आप बोलते हुए खांसी भी करते हो। खांसी, वो मुझे हंसी आ गई। ये वीडियो स्टार्ट होने से पहले भी जो है ना, ये पीछे कुछ बकरियां जो हैं वो बंधी हुई हैं, तो उनकी खांसी थी, वो मुझे हंसी आ गई थी। तो अभी फिर से जो है वो, तो मैं ये बात कर रहा था जी कि जब इस किस्म की सिचुएशन होती है ना जी, मेरे साथ भी अक्सर इस किस्म की सिचुएशन जो है ना जी वो हुई है, तो इंसान जो है ना जी वो अपने होश व हवास जो है वो खो बैठता है, उसे पता ही नहीं होता कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं। और कहते हैं जी, और हुआ भी है ऐसे चांद भी, कि जो आपकी ज़िंदगी का वो जो हिस्सा होता है ना जी, वो कुछ मिनट्स होते हैं ना, वो आपको याद ही नहीं होते कि आपने क्या हुआ है, कि आपने क्या हुआ है। अच्छे की आवाज आई है। रात के इस वक्त और आई वो अपने और आसपास से। शहरी भाई की ये बात बिल्कुल सही है कि मुझे बिल्कुल नहीं पता कि उस दौरान मैंने क्या किया, कैसे मुझे लेकर आए, कुछ भी मेरे जहन में नहीं। मैंने वीडियो में ही जो देखा है, जो आप दोस्तों ने जो सीन देखा है, वही मैंने वीडियो देखी तो मुझे पता है। उसके अलावा मुझे वही मैंने वीडियो देखी तो मुझे पता है। उसके अलावा मुझे ये फिर से उसी रूम में से आ रही है ना, सही है भाई, जैसे हम एंटर हुए थे लोकेशन में, तो रूम में से आवाज़ आई थी भैया। यार एक तो पहले तो ये बहुत ज़्यादा जानवर आपको शायद पीछे नज़र आ रहे हो, बेचैन थे। जिस तरह इन्होंने अभी थूक गुजारी है ना, बिल्कुल इसी तरह। आप दोस्तों को हकीकत बताऊं जी, मेरी भी ऐसी कंडीशन हुई है, वो आवाज़ सुन के मैंने भी अपना जो स्पिट है ना, वो ऐसे ही अपने गले से हल्क से नीचे उतारा है, ऐसे कुछ लोकेशन का खौफ इतना होता है, लेकिन फिर भी हम दोस्त जो है ना कोशिश करते हैं कि हम जो है वो, काफ़ी दोस्तों के कमेंट्स भी आ रहे थे शायरी भाई कि ऐसे जो आप हंसते हो या कोई ऐसा सीन हो जाता है तो वो आप काइंडली कट ना किया करें, वो ज़रूर जो है वो दिखाया करें। तभी तो अब चंद से भी हम लोग अपने घोस्ट लॉकडाउन जो हमारा ये एपिसोड होता है, इसमें वो सीन भी हम ऐड करते हैं जो समटाइम हम अपने मेन शो जो हम करते हैं उसमें कट कर देते हैं, काट देते हैं, ठीक है ना। एक्सैक्ट तो इसमें जो है वो हम वो सीन भी डाल देते हैं, क्योंकि आप दोस्त डिमांड आप दोस्त करते हैं कि यार चलें डाल दिया करें, ठीक है। तो कुछ दोस्त देख कर जो है उनके चेहरों पर मुस्कुराहट आ जाती है जी, तो इससे ज़्यादा हमें और क्या चीज़ चाहिए कि आप दोस्त हमें देख कर या हमारी बात सुनकर जो है वो खुश हो जाते हैं। क्योंकि आज के दौर में दुख तो हर कोई देता है, खुशी कोई नहीं देता है। ये मेरा शेर हौसला मेरे भाई, बस गुजरा वक्त याद आ जाता चलें बहरहाल। हाँ, तो मैं बात भूल गया जी कि हमने इधर जो है वो हिसार बांधी है जी जानवरों पर, उधर भी कुछ जानवर जो है वो कमरा जो बना हुआ है, जो ढारा बनाया गया, वहाँ पर भी जानवर बंधे हुए हैं जी, वहाँ पर भी हिसार बांधी है। और जहाँ भी उनका बताना ये है जी कि डेली जो हैं वो जो यहाँ के इमाम मस्जिद हैं जो मौलवी साहब, वो आते हैं जी, और फिर डेली जो है वो हिसार बांध कर जो है जी वो जाते हैं। तो समटाइम वो कहते हैं जी कि दिन के औकात भी यहाँ पर हिसार बांधना पड़ता है जी, जो जानवर है। ये देखिए क्या बात आवाज़ आई है ना, आप नोट करें जी, हिसार बांधा है जी, उस वक्त भी कुछ ऐसी आवाज़ें आई हैं जी, वो तो शायद प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं हो पाई हैं, लेकिन जैसे ही हिसार का नाम लेते हैं ना कोई आवाज़ आती ज़रूर है चार भाई। ये देखें, ये देखें, पीछे जानवरों की भी आवाज़। तो क्यों चांद भी, फिर लोकेशन दिखाते हैं कनेक्ट करते हैं तो फिर उसको, दोस्तों को मज़ीद जो है ना जी वो डिटेल बताएंगे जी। लाइक कर दें। लाइक कर दिया करें जी, और जो भाई जो डिसलाइक करते थे यार, अब आप फ़ायदा कोई नहीं है जी डिसलाइक करने, क्योंकि वो डिसलाइक नज़र नहीं आते। सो बेहतर ये है कि आप दोस्त भी लाइक कर दिया करें, जो डिसलाइक करते हैं आप दोस्त भी हमारे लिए जी काबिल इज़्ज़त है, आपसे भी मोहब्बत है, प्यार है, तो लाइक कर दिया तो जो आप करें। मेहनत भाई पहले करते थे ना, वो आप लाइक करने पे कर दें प्लीज़। हाँ, वो लाइक करने पर कर दें यार, प्लीज़ यार, प्लीज़ 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 भैया, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मैंने कहा स्टार्ट करते हैं प्लीज़। अच्छा जी, इस जगह भी हमने किया इंट्रो, यहाँ पर कैमरा प्लेस था और यहाँ पर शहरी भाई थे और यहाँ पर मैं और यहाँ पर ये जानवर जो कि अब मोहब्बत के साथ बैठे हुए हैं, वरना यही जानवर हिसार से पहले एक दूसरे को काट रहे थे। उन पर है ना राम,
चांद भी जानवर जो ये बैठे हुए हैं जी, ये ऐसी या इनका आपस में कोई गले में कोई रस्सियाँ वगैरह आपस में बंधी गई हैं? वो इतनी मोहब्बत और चाहत से बैठे हैं ना। गर्मी सर्दी लग रही होगी, हो सकता है जी, पता नहीं, आराम से बैठे हैं। अच्छा जी, इधर भी आप दोस्तों को बता दें जी कि इस जगह हमने जो है वो हिसार बांध दी है, और इधर इस जगह की मैं चांदी बात कर रहा था कि यहाँ पर भी जो है जी वो हमने हिसार बांध दिया जी, इतना ठीक है जी। यहाँ पर भी ये जानवर है और वो चांद भाई यही बता रहे थे जी कि ये जो जानवर हैं जी, जो यहाँ के मस्जिद में जो मौलवी साहब हैं वो आते हैं जी, और यहाँ पर हिसार बांध कर, डेली हिसार बांध कर जो है जी वो जाते हैं, कहते हैं कि समटाइम दिन के औकात भी जो है ना जी वो हिसार बांध कर यहाँ पर जाते हैं, तो बड़ी मुश्किलात और परेशानी का शिकार है जी वो हमारे जो दोस्त जो यहाँ पर रहते हैं जी, उनके साथ जो मसले मसाइल हुए हैं। कोशिश करेंगे आज हम पूरी कि हम यार इस लोकेशन का जो है उनका मामला जो है वो हल कर सकें जी, बिल्कुल जी, और जान सकें कि बाकी उन्होंने जान भी कुछ फिलहाल तो ना। क्या हुआ शरी भाई? खैरियत? कैमरा चंद भी उसी साइड पे है। हाँ, क्या हुआ है? कोई अंदर है चांद भाई? कुछ देखा है आपने या सिर्फ आवाज सुनी फिर से? क्योंकि दो तीन बार तो इसकी आवाज आई है ना रूम में से। चांद भाई अंदर कोई देखा? अंदर कोई खड़ा था। ये देखिए चांद भाई अंदर कोई देखा? अंदर कोई खड़ा था। ये देखिए चांद भाई अंदर कोई है? ठीक हो आप? किसी ने देखा है? मेरा कैमरा अभी स्टिल उधर ही है, देखा है और साइड पे हुआ है। कैमरा पे कुछ चीज रिकॉर्ड हुई है? कैमरा मेरा उधर ही है, मैंने अपनी आंखों से देखा, मुझे नहीं पता, मेरे रोंगटे खड़े हो गए यार। ये देख, जैसे कोई आपकी बात सुन रहा हो ना। एक बार ऐसे ही आगे जाके दिखा दे, अभी तो लोकेशन जो है वो भी दोस्तों को नहीं दिखाई हमने। अल्लाह अकबर। चलो इस जगह बिल्कुल दाएं हाथ यहीं पर, कोई चीज रिकॉर्ड हुई है? पता नहीं जान भी। अलबत्ता मैं देख उधर ही रहा था, कैमरा मेरा उसी डायरेक्शन में था, इस जगह ऐसे जैसे ना कोई चीज़ आपको ऐसे देखती है ना जी, बिल्कुल ऐसे जो है ना जी वो मुझे ऐसे लगा है यार। इस रूम में दोस्तों को एक चीज़ दिखा दें कि इसमें ना गंदगी काफ़ी ज़्यादा है, ये दीवारों के ऊपर जी हाँ जाले।
ये चांद भी थोड़ा दिखा सकते हैं जी, ये अगर दोस्त दिखें जी, कि यहाँ पर आग का निशान और साथ में कुछ नाखूनों के निशान हैं, जैसे कुछ खरोचा हो ना किसी चीज़ जी, से निशान लगे हुए नाखून। अच्छा ये देखें चांद भी, ये सबसे पुराना कमरा वो बता रहे हैं कि ये जो कमरा है ना जी, कहते हैं जी कई साल पुराना है, तकरीबन 50-60 साल पुराना ये कमरा है। सबसे पहले ये रूम ही उन्होंने बताया कि तामीर हुआ, उसके बाद बाकी घर जो वो बाकी का जो रूम्स हैं जो वो तैयार हुए हैं, लेकिन ये कमरा जो है ना चांद भी, उन्होंने नहीं गिराया। गिराने की कोई ख़ास वजह तो उन्होंने नहीं बताई जी, ये ज़रूर उन्होंने बताया जी कि जो हमारे बड़े थे वो इस रूम में जो है जी वो रहा करते थे, शायद मोहब्बत की वजह से जी, कि वो बड़े यहाँ पर रहते थे इस वजह से उन्होंने नहीं गिराया। लेकिन चांद भैया इस कमरे की हालत देख के लग रहा है कि इस कमरे में जो है वो कोई बहुत कम है कोई आता जाता होगा, क्योंकि यहाँ पर जाले लगे हुए हैं, और जो अगर ये इस्तेमाल में होता तो मिट्टी नहीं होती इतनी ना जी। इसके ये देखिए चद्दर वगैरह जो भी ऊपर पड़ी हुई है उनके ऊपर मिट्टी जो है जी, ये चार पहियों के ऊपर भी ऐसे ही। या तो चांद भी शायद यहाँ पर आते होंगे, लेकिन ये जो दरवाज़ा है ना जी, ये जब उस मखलूक ने तोड़ा है ना, तो तब से मुझे लगता है कि यहाँ पर जो धूल मिट्टी है ना वो अंदर आती है, तो ये भी हो सकती है। इस वजह से हो सकता है कि यहाँ पर जो है वो अंदर दाखिल ना होते हों। लेकिन जब से ये इंसिडेंट हुआ है उसके बाद से तो कोई नहीं यहाँ पर आया इस रूम में, तब से तो चांद भी यहाँ पर कोई नहीं आया। और चांद भी जैसा कि मैंने उस चीज़ को देखा है इस कमरे में, मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो मुझे नहीं पता कि रिकॉर्ड हुई है या नहीं हुई, वो तो एडिट पे जाके पता चलेगा, लेकिन इस जगह मैंने देखा है यहाँ पर तो कोई ऐसे पाँव के निशानात नहीं है। इधर चांद भी एक सुराख भी है लेफ्ट साइड पे सामने है जी। एक बार ना शेरी भाई बाहर से सारी लोकेशन दिखा देते हैं। हाँ जी, फिर कंटिन्यू करते हैं आगे। चलिए जी, ये कुछ नए कमरे चांद उन्होंने तामीर किए हैं जी, और आप दोस्तों को ये दिखा देते हैं कि ये देखें बाहर से सीमेंट का बना हुआ है। हाँ जी, और वो जो है वो मिट्टी से है। अगर हम इसकी जान ये जालियाँ दिखाएं ना, ये काफ़ी पुरानी जो है ये लग रही हैं, जो पिछले दौर में पाकिस्तान और इंडिया के पार्टीशन से पहले की जो है ना इमारत, इतना एरिया शेरी भी लगते जैसे ये डोर वाला हिस्सा है ना, ये इतना क्या सीमेंट का, लेकिन अंदर से फिर से वो मिट्टी ही है, मिट्टी के ऊपर जो पेंट किया हुआ जी। हाँ, उन्होंने चांद भी इन रूम्स का बताया, मैंने मखलूक उस कमरे में देखी है, और उनका बताना ये है जी कि उसी मखलूक ने ये जो है दरवाज़ा तोड़ा है, जैसे कोई मखलूक जो है वो गुस्से में आ जाती है ना जी, बिल्कुल वैसे जो है वो कहते जी हमारी आंखों के सामने ये दरवाज़ा जो है वो टूटा है। अब आप दोस्त खुद अंदाज़ा लगाएं कि वो जो मखलूक है वो कितनी ख़तरनाक हो सकती है, जो अपने गुस्से से ये दरवाज़ा जो है वो पूरा तोड़ सकती है। तब से वो कहते जी हम अंदर नहीं गए इस कमरे में, तो शायद धूल मिट्टी जो है वो तब से। बाकी इधर चांद भी एक दरख्त भी है, इस दरख्त पर भी उन्होंने उनका कहना है कि मूवमेंट महसूस हुई है, और तब से चांद भाई जब से वो मटका उन्होंने देखा है, अब वो मटका वो कहाँ से आया है ये समझ से बाहर है। अभी आप दोस्तों को हम सारी बातें जो है वो वन बाय वन बताते हैं। एक तो इसमें सीन है कि उन्होंने एक बताया हमें मटके का, हाँ जी, ठीक है, और उसके साथ उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ पर इस घर में वो आईना जो है ना वो नहीं यूज़ कर सकते,
हाँ। उसको उन्होंने ढांप के रखा हुआ है कपड़े के साथ, जितने भी इस घर में शीशे हैं। आवाज़ आई है, उनका ये बताना है कि उन्होंने खुद अपने आप को, यानी कि वो सामने खड़े हैं, अगर एक इंसान आईने के सामने खड़ा है ना, अगर वो हाथ हिला रहा है तो उसी चीज़ में वो होगा, लेकिन उनका बताना है कि हमारा ही यक्ष हमें और तरीके में, यानी कुछ और करता हुआ दिखा है। हम शीशे में अगर देख रहे हैं तो हमें ये दिख रहा है कि हम अगर ऐसे स्टिल खड़े हैं तो वो सामने वाला जो है वो हाथ हिल रहा होगा उसका कुछ, यानी कि डिफरेंट देखा है उन्होंने। तो जो मस्जिद इमाम शहरी भाई ने, जैसे आप दोस्तों को बताया कि वो आके यहाँ पर खीलते हैं इस जगह को, तो उन्होंने ये हदायत की थी कि आपने सारे शीशों को जो है वो ढांप देना है किसी कपड़े के साथ। तो भी फिर दिखाते हैं आप दोस्तों को, उन्होंने वो भी किया हुआ है। और मटके की जो डिटेल है वो भी शहरी भाई साथ साथ सारी बता दें एक दफ़ा। जी हाँ, कि जो उसकी कोई एक जगह नहीं है मटके की। वो चांद भी बता रहे थे जी कि वो जो घड़ा है ना जी, अब अल्लाह आलम वो क्या है क्या नहीं है, हमने तो नहीं देखा। जैसा वो बता रहे हैं जी कि वो मटका है और काफ़ी पुराना सा, जैसे वो मिट्टी लगी होती, कुछ अजीब सा उन्होंने उसकी हालत बताई है उस मटके की, और कोई कपड़ा सा बंधा हुआ है, वल्ला आलम। ठीक है, हमने तो जब से हम दाखिल हुए हैं मैंने नहीं जान भी देखा। आपकी कोई नज़र पड़ी है जी एक, तो ये मटका है जी, ये तो नहीं कहीं नहीं, लेकिन वो रेड कलर का बता रहे थे कि वो रेड कलर का मटका है जी। उसका मुंह उन्होंने बताया है जी कि वो लाल रंग का जो कपड़ा है जी उसके ऊपर बंधा हुआ है जी। ये तो मेरे ख्याल में तंदूर को, हमें तो यहाँ पर ऐसा कोई नहीं दिखा। और उनका ये बताना है कि वो मूव होता है, खुद ही मूव होता है, कभी किसी जगह कभी किसी जगह। अच्छा, ये जानवी एक अजीब चीज़ जो है जी, पहली बार ऐसे सुनने में आई है कि वो जो घड़ा है जी वो अपनी जगह तब्दील करता है। आपको कहते जी अगर आप कहीं रखेंगे या कहीं आपको पहले वो नज़र आएगा ना, रखेंगे नहीं जब कहीं आपको नज़र आएगा, तो जब आप दोबारा देखेंगे ना जी तो वो वहाँ पर मौजूद नहीं होगा, वो कहीं और होगा। ये हैरान कन चीज़ है। बहरहाल चांदी अंदर दाखिल होते हैं। एक चीज़ मैं जहाँ तक नोट की, जितना टाइम हमें यहाँ पे हो गया आए हुए, हमें फ़िलहाल यहाँ पर कोई भी एक्टिविटी नहीं ऐसी हमें दिखने में आई, लेकिन शहरी भाई ने अभी किसी चीज़ को देखा है। और उसके अलावा हमें आवाज़ें ज़रूर सुनी है, जैसे डोर नॉक होता है, किसी चीज़ की आवाज़ ज़रूर महसूस हुई है, लेकिन हमें कोई चीज़ अभी दिखी नहीं, ना हमारे सामने आपको कोई एक्टिविटी हुई है। सिर्फ एक शहरी भाई ने जो चीज़ देखी, अल्लाह करे वो कैमरा पे रिकॉर्ड हुई। मैंने तो वो चीज़ अभी देख ली है ना जी अपनी आँखों से। और उस जगह अच्छा जानवी, वो चीज़ थी ना वो बिल्कुल जैसे एक इंसान होता है ना जी, मैं ये भी नहीं कह सकता जी कि वो एक मखलूक टाइप थी। अक्सर हमने ऐसी मखलूकात को देखा है, वो तो बिल्कुल अजीब भयानक सी होती। मुझे ऐसा देखने में मुझे ऐसा लगा जी जैसे कोई इंसान यहाँ पर खड़ा हो, ये मेरी समझ से बाहर है जी। जैसे शहरी भाई, मैंने जो लास्ट हमारा था गोस्ट लॉकडाउन, उसमें मैंने जिस चीज़ को देखा था वो बिल्कुल बाकायदा इंसान था। मुझे हाँ। बल्कि आई थिंक आमिर भाई ने ये सवाल किया था कि मुझे डर नहीं लगा, जैसे मैं उनको खुद बता रहा था कि मुझे उस चीज़ को देख के डर नहीं, मुझे लगा शायद जो लोकेशन के ऑनर है उन्हीं में से कोई बंदा है, जैसे कोई इंसान खड़ा होता है ना, तो मैं उसको देख तो मेरा भी जान भी आपसे ये सवाल, क्या उसने भी जैसे इंसान कपड़ों में लबूस होता है? बिल्कुल, जैसे शलवार कमीज है ना उसने पहनी हुई है, ड्रेसिंग में था वो, ठीक है खड़ा है, और लेकिन चेहरा उसका दूसरी तरफ था। सही, मुझे चेहरा उसका नहीं दिखा, मैंने उस चीज़ को दो बार देखा है और दोनों तो जिन भाइयों को जान भी आपने देखा, मैं आपकी बात मदर के साथ बात काट रहा हूँ, तो जिस ड्रेसिंग में आप उन भाई से मिले थे क्या वही ड्रेसिंग में? नहीं, वो ड्रेसिंग नहीं थी उन भाइयों का, उन्होंने चद्दर वगैरह ली हुई थी, लेकिन ना उसने ऊपर से कुछ पहना हुआ था, जस्ट शलवार और कमीज़, ये दो चीज़ें थी। अच्छा, और वो स्टिल एक जगह पे खड़ा है, दूसरी तरफ कुछ चेहरा करके, मैं आवाज़ भी दे रहा हूँ, बुला रहा हूँ, लेकिन वहाँ पर मेरा माइंड जो है वो डाइवर्ट हुआ इस चीज़ की तरफ कि वो इंसान नहीं है, वो कोई मखलूक है। क्योंकि जब मैं उसको देख रहा हूँ कि वो स्क्रीन में, मैं बार बार फोकस करके देख रहा हूँ, मुझे वो नहीं नज़र आ रहा वहाँ पर, वहाँ पर बिल्कुल क्लियर, लेकिन आँखों से मुझे वो चीज़ नज़र आ रही थी। तो इसी तरह फिर शायद आपको वो चीज़ आई है नज़र। अब ये नहीं पता कि आपने वो स्क्रीन में आपको नज़र आई कि नहीं, रिकॉर्ड हुई है या नहीं, लेकिन अपनी आँखों से तो चांद भी मैंने देखा है जी। क्योंकि जब मैंने उस चीज़ को देखा है ना जी, मेरे माइंड से निकल ही गया जी कि मैंने कुछ चीज़ रिकॉर्ड करनी है, मेरे हाथ में कैमरा है या नहीं है, मुझे नहीं पता। बहरहाल मैंने अपनी आँखों से देखा है, ये एडिट पे जाके पता चलेगा, प्रॉपर इस जगह मैंने देखा है अपनी आँखों से। तो सामान वगैरह उनका भी अच्छा खासा पड़ा है।
ये देखें, अभी इस खुद ही दो ऐसा है जान भी देखें, मुझे लगता है हाँ डोर चांद भी है, नहीं जी कोई एक्टिविटी नहीं हुई है, डोर कुछ ऐसा है सही। हाँ ये चांद भाई ये तो ये सामने आईना लगा हुआ है और उस पर उन्होंने कपड़ा डाला हुआ है, और ये भी शोकेस है या क्या है उसके ऊपर भी शीशे लगे हुए, तो उस पर भी उन्होंने कपड़ा डाला हुआ है। अच्छा अगर आप चांद भाई ये शोकेस की बात करें, इस शीशे की अगर हम बात करते हैं तो देखें कोई इसमें आप अपना चेहरा तो नहीं कम से कम देख सकते जी, क्योंकि ये तो आर पार नज़र आ रहा है, ये जो शीशे इसमें आप अपना चेहरा देख सकते हैं ठीक है। ये देखें इसमें कोई ऐसे निशानात समटाइम होता है जानवी के, ये अजीब से हैं जानवी, शीशे पे कैसे ये निशानात आ सकते हैं जानवी नाखनों के स्क्रैच जैसे ना उंगलियों से। जी हाँ नाखून हल्की हल्की सी आवाज है जानवी, स्क्रैच जैसे ना उंगलियों से। जी हाँ नाखून आवाज आई है हल्की हल्की सी आवाज है जानवी, तो कोई भी जान भी ऐसी कोई मूवमेंट वगैरह हमें अभी तक कोई महसूस नहीं हुई। बिल्कुल वही बात तो मैं कह रहा हूँ, हमें इतना टाइम हो गया लेकिन हमें फ़िलहाल कोई जिसको कहते हैं क्लियर एविडेंस होना आँखों के सामने किसी चीज़ की मूवमेंट, वो ऐसे कोई सीन रिकॉर्ड नहीं। जान भी देख लिया है, मैंने देख लिया अपने आँखों से उस चीज़ आपको को देख अभी लिया, कोई चीज़ महसूस नहीं हुई ना देखी है आपने, लेकिन मैंने देख ली है उस जगह की मैं बात कर रहा हूँ, ये इतनी जगह चांद भी यहाँ पर क्या हुआ है ये क्या है, और ऊपर गंदगी कितनी है यार। चले उसका तो डोर मानता हूँ कि मैं वो उस वक्त का खुला हुआ है, वो सामने डस्ट अंदर वगैरह की होगी, लेकिन ये लॉक तो भाई ने चाबी दी है उसको हमने खोला दी है ठीक है। आप बात मुकम्मल कर लें मैं आपकी, तो ये डस्ट और इतनी गंदगी जो है ऊपर, और ये तो जान भी फिर वही बात हुई ना जैसे उन्होंने बताया जी कि कमरों से बदबू आती है गंदगी के ढेर, आपको समटाइम कहते हैं जी हम उठाते हैं यहाँ से, तो क्या ये वही चीज़ तो नहीं है जी? ये मैं तो हैरान हूँ यार कि यहाँ पर वो रहते भी हैं, और ये देखे ना ये क्या है यहाँ पे, ये सामने समझ से चांद भी बाहर है, स्मेल ना तो इतनी तो कोई ख़ास महसूस नहीं हो रही लेकिन हल्की हल्की है, लेकिन जितनी शिद्दत की उन्होंने बताया वैसा तो वैसा कुछ नहीं है यहाँ पर। देखिए अगर आप इस जगह मौजूद हैं तो बग़ैर नुकसान पहुंचाए हमारे करीब आ सकते हैं, इस मीटर के करीब आ सकते हैं या हमसे बात कर सकते हैं, मैंने अभी आपको देखा है क्या मुझसे बात कर सकते हैं? इसके करीब आ सकते हैं? मीटर ऑन किया हुआ है जान भी, लेकिन किसी भी शक्ल में या किसी आवाज़ की सूरत में आप खुद को जाहिर कर सकते हैं? मेरा निडल पर ही जो है जी वो फोकस है, किसी किस्म की कोई जान भी मूवमेंट नहीं है निडल में। अच्छा जैसे उन्होंने जान भी बताया है ना कि यहाँ पर जो भी आया है जी उस घड़े को जब से उन्होंने देखा, अच्छा मज़े की बात यह है जी कि वो कहते हैं जी घड़ा हमारे घर में था ही नहीं पहले, तो ये चांद भी जो चीज़ हुई है ना जी ये हैरान कन हुई है, ये समझ से बाहर है मेरे। देखिए सामने आ सकते हैं किसी भी शक्ल में, अगर आप इस जगह हैं आप मुझे नज़र भी आए हैं, अगर आप वाकई यहाँ पर हैं इस वक्त हमें सुन
क्या हुआ? अल्लाहु अकबर। मेरा कैमरा इधर ही है। मीटर में तो जान भी आई है। रीडिंग रीडिंग आई जान भी। दरवाजा बंद तो अपने आप होता है, लेकिन ये देखें रीडिंग आ रही है जा रही है। पहले नहीं थी, जैसी एक्टिविटी हुई है तब से रीडिंग भी आई है। और यार ये नीडल में चांद भी मूवमेंट भी है, हल्की हल्की मूवमेंट है नीडल में। देखो दोबारा आ सकते हैं। अल्लाह अकबर, ये पूरा अंदर है कोई, अंदर है जान भी कोई। ध्यान से दरवाजे ऐसे आया है, ऐसे अंदर से जैसे किसी ने धकेला हो ना दरवाजे को। गंदी स्मेल है, जैसे दरवाजा खुला है। आगे लगा हाथ पे आगे लगा, ये देखें बच गया हाथ को लगा। इस जगह आए हैं तो ये कुत्ते के भौंकने की आवाज कुछ ज्यादा हो गई है। कुछ है वो पड़े हमें